सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। जिला जनसंपर्क कार्यालय गुना मध्य प्रदेश समाचार। कलेक्टर द्वारा मतदान केंद्र आवन एवं रिछेरा व चक चुरेला का किया निरीक्षण। मतदान दलों से चर्चा कर मतदान की तैयारियों के संबंध में लिया जायजा। 13 जून को होगा सरपंच पद के निर्वाचन के लिए मतदान। गुना में 12 जून 2023 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री फ्रैंक नोबल ए द्वारा पंचायत एवं निर्वाचन पूर्वार्ध 2023 में राघुगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत आवन एवं गुना विकासखंड के रिछेरा एवं चक चुरेला में सरपंच पद के मतदान हेतु स्थापित केंद्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपस्थित मतदान दल के सदस्यों से चर्चा की एवं बूथ का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायत उपनिर्वाचन पूर्वार्ध 2023 के तहत रिक्त सरपंच पद हेतु मतदान 13 जून को प्रातः 7 बजे से किया जाना है। इसके संबंध में आज 13 सरपंचों के निर्वाचन हेतु मतदान दल रवाना हो गए हैं। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल प्रेस विज्ञप्ति संख्या 432/2023 दिनांक 12/6/2023। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान बिपरज्वाए, भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए एहतियाती उपाय और कार्य योजना। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरज्वाए बढ़ रहा है और सौराष्ट्र और कक्ष क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। 11 से 14 जून 2023 तक अगले 4 दिनों के लिए चक्रवात बिपरज्वाए का पूर्वानुमान पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में बना दिया गया है। तूफान के सौराष्ट्र और कक्ष क्षेत्रों को प्रभावित करने की उम्मीद है। संवेदनशील वर्गों में भावनगर, महुआ, वेरावल से पोरबंदर क्षेत्र, ओखा से HAPO और गांधीधाम क्षेत्र शामिल है। 14 तारीख की शाम को मंडावी जखाऊ बंदरगाह के पास लैंडफॉल होने का अनुमान है। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा सुनिश्चित करने और चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। गुना जिला अस्पताल में PICU में बंद पड़े AC का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। फिर इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि ICU वार्ड का एक AC खराब है जबकि AC चल रहा है। उन्होंने इसके लिए इंजीनियर को बुलाया था जिस पर इंजीनियर ने सलाह दी कि यदि एक AC को चालू करते हैं तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। ऐसे में इनकी सर्विस लाइन चेक कर सभी AC ठीक कराए जाएंगे और जल्द ही AC चालू हो जाएंगे। कि ये AC खराब है, क्या कार्रवाई की गई है अभी तक और AC क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं ICU के? ICU में जो AC है वो सेंट्रल AC है, उसका एक AC चल रहा है, एक खराब है और एक अकेले को चलाएंगे तो दूसरा भी खराब हो जाएगा, ऐसा जो इंजीनियर्स आए थे वो बता के गए हैं। और पहले परीक्षण में भी पंकज श्रीवास्तव जो बंसल न्यूज के हैं उन्होंने हेल्प करी थी उस इंजीनियर को बुलाने से, राजगढ़ से बुलवाने में, उसके एडवांस पेमेंट देके बुलवाया था। परीक्षण कराने के बाद पता चला तो वो एस्टिमेट देके गए हमको 1,10,000 का। 1,10,000 की एक्सपेंडिचर के लिए हमने स्टेट लेवल पे पत्र लिखे हैं, पत्राचार किया है लगातार, और चूँकि वहाँ से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसके लिए अलग से बजट आवंटित नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं सुधर पाए। अभी भोपाल से बात हुई है मेरी डायरेक्टर साहब से, तो उन्होंने दोबारा पत्र मांगा और उन्होंने बोला है कि वो RKS से परमिशन दिलवाने के लिए निर्देश देते हैं। सर बाथरूम भी वहाँ बंद पड़ी हुई है और भी जो कमरे हैं उनमें देखा जा रहा है एक ही कूलर लग रहा है, करीबन पेशेंटों की संख्या ज़्यादा है तो लोग गर्मी में लगातार परेशान हैं। नहीं, कूलर तो उसमें आज ही कूलर लगवा दिया है।
मरीज खुद अपने घर से पंखे और वो ला रहे हैं। नहीं, वो गलत लेके आ रहे हैं, और जो मरीज वहाँ पे पंखे कूलर जो लेके आए हैं उन्होंने गलत तरीके से उनका उपयोग किया है। बिना अस्पताल प्रबंधन को और प्रशासन को बताए उन्होंने पलंग पे बिना कवर का पंखा कस दिया, आईवी ड्रिप स्टैंड को उठा के उस पर एक पंखा कस दिया। अटेंडर्स की ये गतिविधि शिष्टाचार के और सामान्य व्यवहार के अनुरूप नहीं है। मान लिया उसकी पंखुड़ी निकल जाए, बिना कवर के पंखुड़ी में किसी की उंगली आ जाए तो नुकसान हो जाए। तो मेरा निवेदन है समाज से कि इस तरह के आचरण को ना करें। उन्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई परेशानी है तो सभी जगह नंबर डिस्प्लेड हैं, RMO के, सिविल सर्जन के, उप प्रबंधक के, स्टीवर्ड के, वार्ड इंचार्ज है, अपनी शिकायत अपनी परेशानी उनको दर्ज कराएं, प्रशासन उसका पूरा ध्यान देगा, उसको निराकरण करेगा। सर देखा गया कुछ लोग तो वेंटिलेटर पर थे, तो अब वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है कल को वेंटिलेटर भी खराब हो सकता है, इसके बाद भी वेंटिलेटर चल रहा है, ऊपर से फंड नहीं आ रहा, ये समस्या सामने देखी जा रही है। वेंटिलेटर्स तो सारे चालू हैं मगर एसी नहीं हुआ। एसी के लिए ही लगातार कार्रवाई की जा रही है, और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि उन्होंने बोला है कि वो उसके लिए एक निर्देश भेज रहे हैं, और जैसे ही भोपाल की टीम आएगी एसी चालू हो जाएगा। भोपाल की कंपनी है, उसको आना पड़ेगा, तो हमारे पास जैसे बजट आ जाएगा। विजयपुर थाना क्षेत्र से अपहृत नाबालिग बालिका को ग्वालियर से दस्तयाब कर उसके अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। साथ ही थाना क्षेत्र से एक अपहृत अन्य नाबालिग को भी दस्तयाब कर उसके अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिगों की दस्तयाबी पर गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से घोषित 10,000 रुपये का इनाम। दिनांक 7 जून 2023 को फरियादी पीड़ित नाबालिग बालिका के भाई द्वारा विजयपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आज दिनांक 7 जून 2023 की सुबह उसके माता पिता बाजार गए थे। घर पर वह तथा उसकी 17 वर्षीय बहन दोनों अकेले थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों से 4 लोग उसके गाँव में आए, जिनमें से एक मोटरसाइकिल पर आए रामनगर निवासी अनिकेत यादव व 2 अन्य लोग उसके घर में घुस आए और जबरन उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बहन का अपहरण कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर से विजयपुर थाने पर अपराध क्रमांक 105/23 धारा 363 भादावी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। इस प्रकार दिनांक 7 जून को ही फरियादी पीड़ित नाबालिग के पिता द्वारा विजयपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 6 जून के दोपहर में उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को कोई लड़का बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर कहीं ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर से विजयपुर थाने पर अपराध क्रमांक 104/23 धारा 363 भादावी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। मयाना मंडल अध्यक्ष व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में लाडली बहनों ने निकाले पैसे 1,000 रुपए। मयाना में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पहलवान सिंह कुशवाहा एवं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवम सोनी के नेतृत्व में आज मयाना के सभी बैंकों के बाहर टेंट लगाकर उन्हें बैठने एवं पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पैसे निकालने वाली रसीद भी अपने हाथों से बनाई गई। मिली जानकारी के अनुसार मयाना में जिन स्थानों पर पैसों को निकाला जाता है उन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से टेंट की व्यवस्था की गई एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई, जिससे किसी भी लाडली बहना को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मंडल अध्यक्ष पहलवान सिंह कुशवाहा एवं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवम सोनी ने बताया कि आज मयाना व आसपास के क्षेत्र की अनेक लाडली बहनाएं पैसा निकालने के लिए बैंकों में आई थी। लाडली बहनाओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनकी ये व्यवस्था की है। इस व्यवस्था को देखते हुए लाडली बहनाएं अति प्रसन्न दिखाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माना। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सब लोग लाडली बहनाओं को जो शिवराज मामा ने 1,000 रुपए उनके खाते में डाले हैं तो वो सब लोग निकालने आई है, तो उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लड्डू बांटकर और पानी का गिलास देकर हम लोगों ने और माला पहनाकर हम लोगों ने सबका स्वागत किया, अभिवादन किया, और सब लोग बहुत खुश हैं बहुत ही। और मंत्री जी और शिवराज मामा को सब लोग बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं कि जो क्रांतिकारी योजना उन्होंने चालू करी है जिसके कारण इनकी जिंदगी सुधर पाएगी, और एक महिला सशक्तिकरण की ओर जो एक कार्यक्रम जो एक योजना हमारे शिवराज सिंह जी ने बनाई है उसके लिए सभी महिलाओं में बहुत खुशी देखते को मिल रही है। मेरा नाम शुभम सोनी, मंडल अध्यक्ष म्याना।
जो आपकी संजू भैया की मित्र मंडली एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता जो आज बैंकों में जाकर महिला को जनपाल कराया और लड्डू करवाया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहन योजना के अंतर्गत उनके खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। और न्याना ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक बैंक, चाहे ग्रामीण बैंक हो चाहे खंड की शाखा हो, वहाँ जाकर नेनाओं का स्वागत कर रहे हैं, मीठा मुँह करा रहे हैं और उनको आगे की भी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि 1,000 ही नहीं 1,250 से लेके 1,500, 1,750, 2,250, 2,500, 3,000 रुपये तक हमारी लाडली बहनों को दिए जाएंगे। और हमारे क्षेत्र के मंत्री बमोरी विधानसभा से भैया संजू भैया द्वारा बहुत ही विकास किया जा रहा है और बहनों को चढ़ बढ़ कर उनको लाभ दिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्या नाम है? पहलवान सिंह कुशवाहा, बयाना मंडल अध्यक्ष। मयाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंक पहुंचकर लाडली बहनाओं का किया सम्मान, बांटी मिठाई। आज संजू भैया मित्र मंडली ने समस्त बैंक एवं क्योसक शाखाओं में पहुंचकर लाडली बहनाओं को जलपान कराया, सभी बहनाओं को माले पहनाकर सम्मानित किया, मिठाई वितरण की। महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लाडली बहना योजना चलाए जाने पर धन्यवाद प्रकट किया। लाडली बहनाओं ने बताया कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कभी हमारे खाते में भी रुपए आएंगे, हम बहुत खुश हैं। सभी बैंक एवं क्योसक शाखाओं पर महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर मयाना सरपंच जय नारायण सोनी, मंडल अध्यक्ष पहलवान सिंह कुशवाहा, प्रेम सिंह राजपूत, भागवत कुशवाहा, लखन कुशवाहा, काशीराम कुशवाहा एवं समस्त बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मयाना से संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा किया है लाडली बहना शिवराज सिंह भैया ने। लाडली बहना लक्ष्मी योजना बहुत अच्छी योजना निकाली है और सब बहना है, सब देश की बहना है। बैंक में आई आप 1,000 रुपये निकाल ली, तो आप किसका धन्यवाद देना चाहोगे? थोड़ा जानकारी। शिवराज और संजू भैया, आज हमारे मामा ने, नरेंद्र मोदी और संजू भैया ने हमारे लिए 1,000 रुपये की राशि दी है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। दिवाली मना रहे उनके लिए बहुत बहुत बधाई देते। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हो? मेरा पुष्पा श्रीवास्तव, ग्राम तिनसियाई की रहने वाली हूँ। आपका? मेरा नाम श्रीमती महेशवाई जमरा, ग्राम जमरा की रहने वाली हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, लोकप्रिय मुखिया शिवराज सिंह जी ने जो बहनों के लिए योजना चलाई है, आज दिवाली की तरह खुशी मनाई जा रही है, लड्डू का वितरण किया जा रहा है और लाडली बहनाओं के लिए आर्थिक स्थिति सुधरे इसलिए जो योजना चलाई है, इसलिए मंत्री जी का, शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम जयनारायण सोनी, ग्राम पंचायत म्याना सरपंच। ग्राम पंचायत म्याना में समस्त ग्राम बैंकों में, क्यूस बैंक, स्टेट बैंक में सब लाडली बहनाओं के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पानी व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी लड्डू और माला सब व्यवस्था कर रहे हैं लाडली बहनाओं के लिए, और कुछ परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? बाला काम यादव, तकनी सर। क्या नाम है? समस्त हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और हमारे जी प्रेम जी और सोनी जी, सारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जोड़ करके लाडली महिला के लिए लड्डू वितरण किए और बहनाओं में इतनी खुशी है, जैसे मन तो हम लोग देख रहे हैं उनके चेहरे, मन तो दीपावली मना रही हैं। और संजू भैया ने जितना भी इस क्षेत्र में प्रयास किया उनकी तारीफ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भारी तारीफ है और इतनी तारीफ है, और हम तो ये कहना चाह रहे हैं चौथे पाँचवें बार फिर हमारी भारी भरकम तादाद से, भीड़ से फिर दिवाली मनाई जा रही है और बहुत बड़ी जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। क्या नाम है आपका? है नाम क्या? मेरा नाम हरिशंकर भार्गव और कृपा महाराज, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफ़र हुए हैं, आज महिलाएं वो सब निकालने आई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
मंडल अध्यक्ष जी हैं, प्रेम सिंह राजपूत जी हैं, हरिशंकर भार्गव जी हैं, हमारे राजवीर साहू जी हैं, काशीराम कुशवाहा जी हैं, हम सब लोगों ने बालाग्राम कुशवाहा जी हैं, बालाग्राम यादव जी हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर आके महिला का स्वागत किया है, अभिवादन किया है और पंचायत की तरफ से यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को पैसा निकालने में भी समस्या ना आए। और इसी बीच हमने एक कार्यक्रम जमाया है कि लड्डू वितरित कर और पानी की व्यवस्था करा के यहाँ को, ताकि कोई महिलाओं को हमारी कोई भी असुविधा महसूस ना हो पाए, जिसके कारण हमने ये कार्यक्रम रखा है। और एक चीज़ और यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि जो महिलाएं यहाँ पर पैसे निकालने के लिए आए हैं, उनमें एक अति उत्साह देखने को मिल रहा है। उसका कारण ये है, महिलाओं का ये कहना है कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक क्रांतिकारी योजना बनाई है, उसके कारण महिलाओं में एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम और मैं संजू भैया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और शिवराज मामा को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस क्रांतिकारी योजनाओं से उन्हें महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहन योजना के अंतर्गत उनके खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। और मैंने ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक बैंक, चाहे ग्रामीण बैंक हो चाहे कहीं की शाखा हो, वहाँ जाकर बहनों का स्वागत कर रहे हैं, मीठा मोह करा रहे हैं और उनको आगे की भी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि 1,000 ही नहीं, 1,250 से लेकर 1,500, 1,750, 2,250, 2,500, 3,000 रुपये तक हमारी लाडली बहनों को दिए जाएंगे। और हमारे क्षेत्र के मंत्री बमोरी विधानसभा से भैया संजू भैया द्वारा बहुत ही विकास किया जा रहा है और बहनों को चढ़ बढ़कर उनको लाभ दिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्या नाम है? धन्यवाद। पहलवान सिंह कुशवाहा, म्याना मंडल अध्यक्ष। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से संबंधित कार्यशाला का आयोजन 14 जून को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में। प्रतिष्ठानों के पंजीयन 7 जून से है प्रारंभ। युवाओं के पंजीयन होंगे 15 जून से प्रारंभ। गुना 12 जून 2023 कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबले द्वारा समय सीमा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 14 जून 2023 को प्रातः 11:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को आवश्यक तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्वीकृति की गई है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जानकारी दी जाएगी। आचार्य ITI श्री नवीन रैकवार ने बताया कि इस योजना से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। योजना से औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसके फलस्वरूप युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत कम से कम 1,00,000 युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से राशि ₹1,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निराकरण 15 जून तक करें सुनिश्चित। कलेक्टर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से संबंधित जिन हितग्राहियों का DBT इनेबल नहीं हुआ है, उन्हें पोस्ट ऑफिस भेजकर खाते खोले जाने की कार्यवाही करें। लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों का करें निराकरण। गुना में 12 जून 2023 को कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबले की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, अपर कलेक्टर श्री मुकेश कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान दिनांक 13 जून 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला राजगढ़ में विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरण के संबंध में प्रस्तावित कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के संबंध में उपायुक्त सहकारिता एवं उप संचालक कृषि से जानकारी प्राप्त की और निर्देशित किया कि सभी हितग्राहियों को निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल पर सुनिश्चित करें पहुंचाना और वाहनों में मेडिकल किट ORS व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गए। इस दौरान RTO को निर्देशित किया गया कि सभी बसों का फिटनेस होना जरूरी है और संबंधित वाहन चालक निर्धारित गति से वाहन चलाएं। ये निर्देश वाहन मालिकों को दिए गए। कलेक्टर द्वारा पीड़ित परिजनों को तत्काल उपलब्ध कराई गई अंत्येष्टि सहायता।
गुना में 12 जून 2023 को आज शकीला पुत्री उधल उम्र 14 वर्षीय निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश की चिंताहरण के पास ट्रक के टक्कर से मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी, अंत्योष्टि की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इस घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने तत्काल रेड क्रॉस से अंत्योष्टि सहायता के लिए तहसीलदार गुना नगर को निर्देश दिए गए। तहसीलदार गुना नगर जीएस बैरवा द्वारा लड़की के पीड़ित परिजनों को अंत्योष्टि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। गुना की कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिंताहरण पर पानी भरने जा रही नाबालिग को ट्रक ने रौंद दिया। मृतक का नाम सकीना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को अंत्योष्टि सहायता राशि प्रदान की है। पानी प्रसाद, क्या घटना हुई है? सर जी, घटना यही हुई है कि बच्ची पानी भर कर आ रही थी और रोड सून था। 10-4 की जगह में ज्यादा कोई गाड़ी भी नहीं चलती थी। गाड़ी वाला ने एकदम से ठोक दिया, वो 2-4 आदमी को ठोकता, पर एक बच्ची से आनी थी 15-16 साल की, उन्हें पानी का डिब्बा गिरा के जाके पत्थर मारा तो वो गाड़ी रोका, तो उनने गाड़ी को 2-4-6 बच्ची ने घेर लिया, तो ट्रक वाला ने उतर के भग गया। और भगने के बाद में उनको फिर जीप वाला ने बताया कि बाबा तुम्हारी छुरी वहाँ से डेंस हो गई, हम इतने में भगते भगते आया, इतने में ड्राइवर सर जी भग गए। भगने के बाद में फिर हमने सोचना दिया, 100 नंबर की गाड़ी में तो पुलिस जवान आए, तो उनको फिर ट्रक में फिर लेकर गए, यहाँ लाया हॉस्पिटल में, बच्चे इंतकाल हो गए। क्या नाम था बच्ची का? सकीना। कहाँ जा रही थी? ये डेरे में जा रही थी सर जी पानी भर कर, और ड्राइवर ने वो 2-4 आदमी को ठोकता, मगर एक बच्ची जवान थी, उन्हें उठा के पत्थर मार दिया, इतने में वो रुक गया। और रोड से कोन में थी बच्ची, पूरा रोड खाली थी, पटरी के नीचे थी बच्ची। ये आज एक सड़क दुर्घटना हुई है, सकीला नाम की एक बालिका उसकी डेथ हो गई सड़क दुर्घटना में। ये मूलतः अमेठी की रहने वाले यूपी के, और जैसे ही जिला प्रशासन को के संज्ञान में आए तो कलेक्टर सर ने अंत्येष्टि सहायता की निर्देश दिए और उसी संबंध में जो आज इनको आर्थिक सहायता प्रदान की। आज दिनांक 12 जून 2023 को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भोपाल निवासी पंडित लाल चंद्र जैन राकेश की संलेखना संपन्न हुई। आचार्य के पावन सानिध्य में उल्लेखना दिनांक 9 जून 2023 को प्रारंभ हुई थी। आचार्य के समक्ष उन्होंने 10 प्रतिमा के व्रत अंगीकार किए एवं दिनांक 11 जून 2023 को आजीवन एक समय जल आहार का नियम लिया। आज दिनांक 12 जून 2023 को 1 बजे रात्रि में डमोकार मंत्र के उच्चारण के साथ गुरु आशीर्वाद से संलेखना समाधि संपन्न हुई। आदरणीय पंडित जी जैन दर्शन के श्रेष्ठ विद्वान, उन्होंने लगभग 100 पुस्तकों एवं ग्रंथों की रचना की है। वे कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनको गुरुवर के सानिध्य में अंतिम समय में अपना भव सुधारने का मौका मिला। निश्चित ही श्रद्धेय पंडित जी को उच्च गति का पुण्य बंध हुआ ही होगा, जिन्होंने जिंदगी भर माँ जिनवाड़ी की सेवा की। पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में जाकर संलेखना समाधि अंगीकार की, ऐसा जीव आगे उच्च गति का बंध करके मोक्ष मार्गी होवे, अपना कल्याण करते हुए सभी जीवों का कल्याण करे। इन्हीं भावनाओं के साथ चरणों से विनम्र श्रद्धांजलि पूज्य गुरुदेव की जय। गुना नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा की गई। आज रविन काट कर विधिवत पूजा अर्चना कर पुलिस चौकी सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। बता दें कि पिछले कई समय से मंडी में पुलिस चौकी की मांग की जाती रही है, आखिरकार अब कहीं जाकर मंडी में पुलिस चौकी पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना हो पाई है, जो कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के कार्यकाल में सम्पन्न हो पाया। किसानों और व्यापारियों के बीच झगड़ों के मामले सामने आते रहे हैं, जिसे लेकर मंडी में पुलिस चौकी की मांग की जा रही है। सर, आज ये पुलिस सहायता केंद्र का मंडी प्रांगण में ओपनिंग हो रही है, किस उद्देश्य को लेके, क्या समस्या थी कि आवश्यकता? देखिए, मेरा सोच है कि चूंकि हमने महसूस किया है कि गुना हमारा एक शांति का काम हो, और यहाँ किसी प्रकार का ऐसा वातावरण हो तो समाज के लिए कहीं ना कहीं दूरगामी परिणामों में नकारात्मकता लाए, तो उसी के परिणाम स्वरूप में हम लोगों ने अभी जो है इस जो सहायता केंद्र की स्थापना का उद्देश्य था कि यहाँ जो हमारा कृषक बंधु
और व्यापारी के रूप जो हमारे यहाँ जो इनका अंदर बदन जो है साफ कार्य करते हैं, तो बीच में कुछ ऐसे व्यवधान असामाजिक तत्वों के द्वारा निर्मित हुए जिससे एक वातावरण दूषित हुआ है, और उसी के चलते मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारा व्यापार मंडल जिन्होंने अपने एक यहाँ हमको जगह दी है और पुलिस सहायता केंद्र हमने खोला है। इससे क्या होगा कि यहाँ एक जो वातावरण है वो अच्छा निर्मित होगा, साथ में ही जो हमारे कृषक बंधु है या अपना जो अनाज लेके आते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और हमारा व्यापार मंडल के हमारे प्रत्येक व्यापारी बंधु हैं वो भी यहाँ सुगमता से अपना कार्य कर सकेंगे, इस उद्देश्य से बनाया है। सर, आम किसान भी यहाँ आता है, व्यापारी बंधु पूरा माल अपनी सड़कों पर जिस मंडी की सड़कें हैं उनके बाहर तौलाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस बारे में मंडी प्रशासन से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुछ चर्चा किया? अभी हम लोगों ने चूँकि सुरक्षा जो हमारा मैन था वो हमने किया, बाकी इस तरह हमने इस पर चर्चा करके यहाँ यातायात के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि निकट भविष्य में हम जो है यातायात का सुचारू रूप चला सकें ताकि व्यवधान उत्पन्न न हो। पर मेरा मानना है कि चूँकि हमारे जो किसान बंधु हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, और मेरा मानना है कि चूँकि अनाज बेचते समय उनको मेहनत वहाँ करते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ भी मेहनत करना पड़े तो मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कम से कम यहाँ आए, और मेरा मानना भी यह है कि चूँकि मैं तो साहब से बात करूँगा और चूँकि हमारे मंडी सेक्रेटरी से बात करूँगा, क्यों ना हम जो है जितने हमारे व्यापारी हैं हमारे ज़िले में जो भी हमारी पंचायत लेवल पर, क्यों ना हम एक मनोनीत सबको यहाँ नियुक्त करें और उनको हम 8-8 दिन के लिए मतलब 7-7 दिन की टीम बनाएं कि भाई हफ्ते में आपको 2-3-4 लोग यहाँ रहें और वो भी जनभागीदारी के रूप में काम करें, क्योंकि क्या है किसानों का ही पूरा काम है, किसान बंधु और व्यापार हमारे बंधु हैं तो उनका ही काम है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको ना मनोनीत कर दें दिन बार भाई सोमवार से लेकर शनिवार तक कि आपकी 5-5 लोगों की टीम रहेगी, साथ में पुलिस का बल रहेगा, तो इससे कम से कम जो समस्या उत्पन्न होने वाली है उनमें विराम लगेगा और एक अच्छा भाईचारे के रूप में यहाँ काम किया जा सकता है। शहर में गुना मध्य प्रदेश भिंड DFA और गुना DAP के बीच हुआ एक मैत्री फुटबॉल मैच। जिला फुटबॉल संघ द्वारा मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जिसमें गुना DFA और भिंड DFA के बीच 2 मैत्री मैच का आयोजन किया गया जिसमें गुना DFA सीनियर और भिंड DFA सीनियर के बीच मैच खेला गया, जिसमें कि गुना DFA सीनियर की टीम ने भिंड DFA सीनियर ने 1-0 से हराकर गुना DFA ने मैत्री मैच जीता। इस मैच के मुख्य अतिथि तौकीर फारूकी नेशनल स्कूल चंदन लाहौट, जिला फुटबॉल संघ सचिव इरफान खान, गुना फुटबॉल एकेडमी के अध्यक्ष राहुल तिवारी, गुना फुटबॉल कोच रहीश खान, हरीश सेन आदि मौजूद रहे। आज जिला फुटबॉल संघ द्वारा गुना DFA फुटबॉल की टीम और भिंड जिले की टीमों ने यहां गुना में आज मैत्री मैच खेले, जिसमें कि भिंड DFA और गुना DFA के बीच शाम 5 बजे मैच खेला गया, जिसमें कि गुना DFA 1-0 से विजय रहा, जिसमें कि गोल रवि सूर्यवंशी ने मारा। आज के इस मैच के मुख्य अतिथि महोदय हमारे नेशन स्कूल तौकीर फारूकी जी, चंदन लोहड़ा जी, जिला फुटबॉल संघ सचिव इरफान खान, जिला फुटबॉल संघ से सचिव इरफान खान और गुना फुटबॉल एकेडमी के अध्यक्ष राहुल तिवारी और उपाध्यक्ष नासिर खान ने दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त किया और दोनों ही टीमों को अच्छा खेलने का आश्वासन दिया। धन्यवाद। दिग्गी की थर्ड जनरेशन की पॉलिटिक्स में एंट्री, 6 वर्षीय पोते ने दी स्पीच तो दादा दिग्विजय बोले, इस उम्र में हमने कभी भाषण का सोचा ना था। MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह के 6 साल के पोते सहस्रजय सिंह का एक भाषण सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। गुना की राघोगढ़ सीट से विधायक जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्रजय सिंह की स्पीच का वीडियो दिग्विजय सिंह ने खुद ट्वीट किया।
पोते के भाषण का वीडियो ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने लिखा, मेरा पोता सहस्त्र जय लगता है, पिता व दादा से भी आगे निकल गया है। इस उम्र में हमने कभी भाषण देने का सोचा भी ना था, हे प्रभु नजर ना लगे। धार्मिक कार्यक्रम में अकेले पहुंचा दिग्गी का पोता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तीसरी पीढ़ी यानी राघुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के पुत्र सहस्त्र जय सिंह, जिनकी उम्र अभी महज 6 वर्ष है, राजनीति का ककहारा सीखने उतरते दिख रहे हैं। छोटी सी उम्र में माइक पकड़कर भाषण देना वहां मौजूद जनता को आश्चर्य में भी कर दिया। सहस्त्र जय ने संबोधन में कहा कि मैं पहला केवट समाज के मंदिर में आया था जहां भाषण दिया, लेकिन ये मेरा पहला भाषण ही कहा जाएगा मेरे दाता के बिना। मैं आज 2 कार्यक्रम में जाऊंगा, एक तो यहाँ और दूसरे कार्यक्रम में शाम 5 बजे जाऊंगा। चित्रगुप्त मंदिर में आया, मुझे बहुत सारे लोग मिले, सबने मुझे माला पहनाई, थोड़े मेरे से बड़े मिले, थोड़े मेरे से छोटे मिले। बोलो राघो जी महाराज की जय, बोले सभी संतों की जय, बोलो भागेश्वर धाम जयवर्धन नहीं थे इसलिए पहुंचा। 6 साल का बेटा राघोगढ़ के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह अपने क्षेत्र में नहीं थे। जयवर्धन सिंह प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर गए थे, ऐसे में चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज के कार्यक्रम का बुलावा आया तो 6 साल के सहस्त्र जय अकेले ही पहुंच गए। इतनी कम उम्र में भाषण से कहा जा सकता है कि सहस्त्र जय अभी से राजनीति की डगर पर चलना शुरू कर चुके हैं। वे दिग्विजय सिंह की तीसरी पीढ़ी के रूप में राजनीतिक दांवपेच सीखने लगे हैं। मैं केवट समाज पे आया था पहला भाषण देने, अब मैं ये मंदिर पे आया है भाषण देने, मेरा दूसरा वाला ये मेरा पहला भाषण हो सकता है दाता के बिना, मेरे दाता के बिना। मैं आज 2 प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ और ये पहले मेरा है और शाम को 5 बजे दूसरा मैं आया हूँ चित्तन जी महाराज मंदिर के, तो इतने ज्यादा लोग मिले हैं, इतनी ज्यादा माला पे लगे और इतने बच्चे साइड में हैं, सबको टॉफी बांटी है और इतने खाना भी मैंने दिया उनको। थोड़े मेरे से बड़े हैं, थोड़े से छोटे हैं। महाराज की जय, राघो जी महाराज, राघो जी महाराज की जय, धन्यवाद, जय हो, संतों की जय हो, धन्यवाद। गुना अरोन में यादव महासभा द्वारा एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें यादव महासभा के बैनर तले बड़ी बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मोहन सिंह यादव के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में यादव समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी किस कार्यक्रम को लेकर? अखिल भारतवर्ष यादव महासभा द्वारा 14 जून को आरोन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें यादव समाज के मध्य प्रदेश में शिवपुरी और ग्वालियर जिले से 2 बच्चों का चयन हुआ है IAS में, उनका सम्मान समारोह होगा और समाज के जो प्रतिभावान बच्चे जिनका 80% या उससे अधिक 10वीं 12वीं कक्षा में मार्क्स आए होंगे उनका सम्मान होगा और जिले में जो जनप्रतिनिधि अभी पंचायतों चुनाव में चुने गए हैं उनका सम्मान होगा और वृद्धजन जिनकी 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र है उनका सम्मान होगा। जिस कार्यक्रम में माननीय मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री आप पधार रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय योगेंद्र सिंह मंडलोई कार्यकारी अध्यक्ष जी द्वारा की जाएगी और बाकी अतिथिगणी भी उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम? आर्यन यादव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मध्य प्रदेश।